90% डॉक्टर जल्लाद लोग हैं, अभी 10% कुछ बचे हुए जो ठीक ठाक है, जिनसे दुनिया कुछ चल रही है। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड कहाँ रहते हैं? ऐसे मैं रहता हूँ गुमला जिला। अच्छा ठीक है। ऐसे मकान मेरे रांची में भी है, मेरे भाई भी आए हैं, मेरी वाइफ भी आई है, अब भाई की पत्नी भी आई है। किसके लिए आप आए? जी मेरे लिए, मैं खुद आया हूँ। बाबा 2011-12 में मेरा जीभ में दाग हो गया था, वो धीरे धीरे मांस बन गया। मैंने बायोप्सी भी कराया लेकिन कुछ रिपोर्ट सही आया नहीं। उसके बाद मैंने मेदांता दिल्ली गया, वहाँ उन्होंने जांच किया तो हाइपरप्लेसिया आया, तो उन्होंने लेजर द्वारा काट के निकाल दिया। 8-9 महीने बाद फिर आ गया बाबा, फिर मैं गया वहाँ तो उन्होंने कहा फिर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कि फिर निकालोगे फिर नहीं आएगा, इसका गारंटी दो। बोले इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो निकालते रहेंगे जी साल दो साल। तो मैंने फिर एक हेमोपैथ डॉक्टर पास में गया, बोले कि जीभ काट के निकाल दो जी, हाँ गाल काट के निकाल दो, नाक मुंह काट के सब निकाल दो, वो तो उनको फर्क पड़ता नहीं, उनका जो खुद कटने का नंबर आता है डॉक्टर साहब का जी, तब डॉक्टर साहब को लगता है ये कुछ ना कटने पाए। अब अभी लास्ट टाइम बाबा मैं गया जब तो पूरा आधा जीभ निकालना पड़ेगा, आधा जबड़ा निकालना पड़ेगा। यहाँ पहुँच गए ना धीरे धीरे, सरकाते सरकाते वह पहुँच गए कि अब आधी जीभ काटेंगे आधा जबड़ा काट देंगे। बादशाह अच्छे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ठीक है, अच्छी चिकित्सा कर रहे हैं डॉक्टर लोग। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, ये डॉक्टर बहुत दिख रहा है, ये जो जल्लाद हो गए हैं, जल्लाद 90% डॉक्टर जल्लाद हो गए हैं, अभी 10% कुछ बचे हुए जो ठीक ठाक है, जिनसे दुनिया कुछ चल रही है, बाकी 90% तो भ्रष्ट हो गए, इनको मानवता ख़त्म हो गई है। यही हाल हर समाज में हो गया लगभग, चाहे वो साधु संत हो चाहे अच्छे लोगों का समूह हो, सभी जगह ऐसा हो गया, हर क्षेत्र में ऐसा हो गया है। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? झारखंड गुमला में। गुमला में ठीक है बेटा, आंखें बंद करो, जरा चेक करें तुमको फीस। ओम, आंखें बंद करो। लीवर, लंग, पेशाब का रास्ता, यूरिनरी ट्रैक और रेक्टम, रेक्टम सड़ रहा है, और जा रही गंदगी से पैनक्रियास भी जा रहा है, हार्ट ये दवाइयों से जा रहा है, सब लंग्स कंजेशन। आँख खोलो। ठीक है, आपका इस समय जो दिख रहा है सबसे ज़्यादा वो लीवर ज़्यादा डैमेज दिख रहा है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम जो प्रभाव हुआ है ना औषधियों का वो बहुत ख़राब रहा है, जिसके कारण समस्या लंग्स कंजेशन, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं धीरे धीरे, श्वास लेने में आपको प्रॉब्लम होने लगा होगा, धीरे धीरे आप बहुत स्पीड से काम करने में समस्या आ रही है, नहीं कर सकते आप, लंग्स सिकुड़ रहे हैं सब। पेशाब का जो ट्रैक है, यूरिन ट्रैक है, यूरिन का जो ट्रैक है वो भी गड़बड़ा गया, गुदा द्वार भी गड़बड़ हो रहा है आपका, रेक्टम वो भी अंदर से गड़बड़ा रहा है, पैंक्रियास भी गड़बड़ हो रहा है, हार्ट में भी इसका प्रेशर गया है बेटा तमाम। आप चूँकि सोचते बहुत हो तो उसके कारण तनाव होता तो उसका प्रेशर आता है, कैंसरस गांठ है। भविष्य दिखाई दे, आँख बिल्कुल हिम्मत नहीं, और खड़े हो, जरा खड़े हो, आंखें बंद करो, इनके अंदर से सारे भय हटाए जाएं और मृत्यु का भय हटा दिया जाए। ओम शिव, नष्ट करके सेवकाओं खिला दिया जाए, बैलेंस अभय दिया जाए, निर्भय किया जाए पूरी तरह,
बैलेंस। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अब देखो अपने आप में आंख बंद करके, कोई भय तो नहीं है, कोई मृत्यु का भय तो नहीं लग रहा है इस रोग से, इस रोग से भय तो नहीं लग रहा है। दो माइक। हाँ ठीक बाबा। भय तो नहीं लग रहा है जी? नहीं। कोई मृत्यु से भय तो नहीं लग रहा है? नहीं बाबा। ठीक, करिए अपना सब चीज़, खुश रहिए।